Food Minister Ram Vilas Paswan today said that the union government will construct godowns at the local level for food grain storage across the country. While speaking in the Rajya Sabha, Paswan said that his ministry is committed to stop the wastage of food grains due to lack of proper storage facilities in the country. The union minister further said that at present the proper storage facilities for food grains exist only at big cities or district headquarters, due to which the farmers of villages are unable to sell their products. सही है कि जो अभी तक जो स्टोरेज हैं वो स्टोरेज क्या कहते हैं कि या तो हेडक्वार्टर में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, या गोदाम जो बनते हैं तहसील तक जाते हैं. नतीजा होता है कि गांव में किसान जो है सो बेच नहीं पाता है, और इसको हम चाहते हैं कि हर एक प्रखंड स्तर पर एक गोदाम का निर्माण हो, और इसके लिए हम योजना बना रहे हैं. The minister further said that instead of letting the food grains rot in warehouses, the government will distribute them to the hungry and poor of the country. Paswan said that of late the government has been successful in reducing the wastage of food grains. जो पहले लॉस होता था उससे लॉस बहुत कम हो गया है, और उसका कारण एक ये भी है कि हमने ये आदेश दिया है कि कोई भी गोदाम में डेढ़ साल से ज़्यादा अनाज नहीं रहेगा, और डेढ़ साल के बाद वाला अनाज को सबको हम लोग उसको निकालते हैं. जहाँ तक सवाल है तो आप जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो गया है, और फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ग्रामीण इलाकों में 75% और शहरी इलाकों में 50% और बिहार जैसे राज्यों में 84% और 74% लागू किया गया है. और इसलिए जो है उसमें हम सस्ते दर पर सबको दे रहे हैं, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो मोटा अनाज दे रहे हैं, और उसके बाद एक मिनट उसको दे रहे हैं. जहाँ तक हम इससे सहमत नहीं हैं कि अनाज खराब हो जाए और गरीब को खिलाया जाए. जो अनाज खराब है, खाने योग्य नहीं है, गरीब क्यों खाएगा? गरीब के लिए हम देंगे तो अच्छा अनाज देंगे. Paswan said that the union government has so far provided 50 lakh ton rice and 1 crore ton wheat to the BPL families. He said that the role of state governments is crucial in providing food grains to the poor and hungry. जो BPL families हैं, यदि BPL families को नहीं मिलता है अनाज तो राज्य सरकार की कमजोरी है. हम BPL families को अनाज देते हैं. जहां तक हमारे पास में बफर स्टॉक से ज्यादा का है, अभी हमने 50 लाख टन चावल हमने क्या कहते हैं बीपीएल के हम जो है तो पीडीएस के माध्यम से सप्लाई किया है, और 1 करोड़ टन गेहूं क्या कहते हैं हमने निकाला है. इसलिए हमारे पास में जो एक्स्ट्रा अनाज होता है हम उसको पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं. ये राज्य सरकार का मामला है कि राज्य सरकार उसको कैसे मैनेज करे, एपीएल को दे, बीपीएल को दे, किसको दे. श्री हमने दे दिया. पावर्ड बाय एनएनआईएस.